वोटिंग खत्म हो चुकी है। आपको बता दें हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही थी और मतदान खत्म हो चुका है। 90 में से 89 विधायकों ने आज अपने वोट डाल दिए। निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो किसी भी दल को अपना समर्थन नहीं देंगे। तो बलराज कुंडू एक विधायक जो है 90 में से माइनस कर दीजिए, इन्होंने अपना वोट नहीं दिया है और इसका ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था, जो कि निर्दलीय विधायक है। अब शाम 4 बजे तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद जो मतगणना है वो शुरू होगी और शाम 5-5:30 बजे के बीच ये उम्मीद जताई जा रही है कि कौन कौन राज्यसभा का रुख करता है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में दो सीटों के लिए चुनाव होना है, लेकिन 3 प्रत्याशी हैं। हालांकि जब तक जो तीसरे प्रत्याशी है कार्तिकेय शर्मा वो नहीं उतरे थे, तो एक कांग्रेस और एक बीजेपी की सीट निश्चित मानी जा रही थी, लेकिन कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतर जाने के बाद जो गणित है वो बिगड़ा, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी ने यह कह दिया था कि हम अपना समर्थन कार्तिकेय को देंगे और इससे कांग्रेस के जो प्रत्याशी अजय माकन उनका खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। बहरहाल अब बड़ी खबर यही है कि वोटिंग हरियाणा के लिए खत्म हो चुकी है। 90 में से 89 जो विधायक हैं उन्होंने अपना अपना वोट डाल दिया है राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर। इन 3 में से किसी 2 की किस्मत पर आज फैसला होना है। बहरहाल बड़ी बात यही कि एक निर्दलीय विधायक जो है उन्होंने आज अपना वोट नहीं डाला। बलराज कुंडू ने यह कह दिया था कि वो किसी भी प्रत्याशी के लिए वोट नहीं करेंगे, कार्तिकेय शर्मा या फिर वो कोई अन्य दल से हो वो किसी को अपना मत नहीं देंगे। और मनोज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, तकरीबन अब ये जो वोटिंग है वो खत्म हो गई है, क्योंकि 89 विधायकों ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 90 है और इनमें से 89 विधायक वोट डाल चुके हैं और एक जो विधायक है बलराज कुंडू, जो की इंडिपेंडेंट MLA है, उन्होंने पहले ही साफ इनकार कर दिया था कि वो मतदान नहीं करेंगे, किसी को वोट करने वाले नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जो मतदान है वो समाप्त हो गया है, लेकिन तकनीकी रूप से 4 बजे तक का समय है मतदान का, तो 4 बजे तक जो मतदान प्रक्रिया है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, इंतजार किया जाएगा बलराज कुंडू का और उसके बाद 5 बजे मतगणना शुरू होगी निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद। जी।